ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये प्रोडक्ट मैंने बाय करा था फ्लिपकार्ट से, M10 ईयरबड है। और ये ईयरबड बहुत ही ज़्यादा मेरे को सही लगा था, और इसके प्राइस थोड़े से कम है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। क्या क्या ही प्राइस वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, तो ये आप देख लेना आपके टाइम में कितने प्राइस। जब मैं ले रहा था ये उस टाइम 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में वेरीज कर रहा था। और डेफिनेटली सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, फुल्ली अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, और मैं इसके कुछ एडवांटेज साथ में साथ डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे आप इस टाइम से जुड़े रहना। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो इस सिंपल से पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो सिंपली मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद फिर ये जो देख रहे हो गाइस, ये कुछ इस तरह से लुक आपको देखने को मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो M10 का यहाँ पे ब्रांड देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर मैं सिंपल सा इसे ओपन कर लेता हूँ, फुल्ली से ओपन करता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखता हूँ क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिल जाता है ये, अगर आप इसके साथ खेलना चाहते हो तो कुछ इस तरह से खेल सकते हो। तो अभी वो सब चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये कुछ M10 का इस तरह से देखने को मिल जाता है, M10 न्यूएस्ट डिजिटल इंडिकेटर ट्रू वायरलेस हेडसेट। और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है जो कि लेटेस्ट है अभी, और साथ में आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, और ये टच कंट्रोल है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लाइक ये जो है फुल्ली तरह से वायरलेस है, ट्रूली वायरलेस है, और इसके जो सिम्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वो जो ईयरबड होता है। और म्यूज़िक वगैरह फास्ट चार्जिंग का भी इसमें सपोर्ट दिया गया है। उसके बाद फिर ये बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं, लाइक ट्रांसमिशन डिस्टेंस आपको 10 मीटर तक दिया गया है, मतलब रेंज आपके यहाँ पे 10 मीटर आपको मिल जाते हैं। और अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो आपको 2 घंटे लगेंगे चार्ज होने में, और ये अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो ये 280 आवर्स के बैकअप देता है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। म्यूज़िक प्ले अबाउट 5 आवर्स, मतलब ये बोल रहा है कि 5 घंटे तक आप कंटिन्यू म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। आउटपुट 5 वोल्ट से 1 एम्पियर तक होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने वाली है। और डेफिनेटली ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इससे खोलते हैं और इसमें जानते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखो गाइस, कुछ इस तरह से लुक एंड फील देखने को मिलता है इसका कवर, और वाकई में मतलब देखने में तो बहुत ही सही लगा। और इसके अंदर मैं सिंपल सा ओपन करके देखता हूँ क्या है, और इसके प्रोडक्ट क्या है नहीं है। सिंपल सा इसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के साथ ही आप देख सकते हो मतलब इसके साथ ये सब मिल जाता है, ये सारी चीज़ें, तो ये कोई काम की नहीं है। तो इसे कवर को मैं अभी करता हूँ साइड में, उसके बाद ये देख लो गाइस, ये मेन प्रोडक्ट ये है, और इसके साथ मिल जाता है ये इसके साथ, और ये कुछ इस तरह से कवर प्लास्टिक वगैरह जो भी प्लास्टिक वगैरह इसे मैं अभी निकालता हूँ बाहर में। और ये मैन जो इम्पोर्टेंट होता है वो है ये, और इसके साथ मिल जाते हैं आपको कुछ केबल्स जो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं इसे फ़िलहाल के लिए ओपन करता हूँ, और इसके साथ मिल जाते हैं मैनुअल कुछ द मैनुअल। तो इसे पढ़ के सिंपल था, एक ही पेज का होता है एक्चुअली लग रहा मुझे, हाँ एक ही पेज का। और देखो यहाँ पर मतलब आप पढ़ सकते हो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि इस कैसे वर्क करता है, कैसे यूज़ में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानना है। तो उसके साथ गाइज देखो आपको मिल जाते ये छोटे चार्ज होने वाले केबल्स। अगर मैं इसके केबल्स की अगर बात करूँ इसके लेंथ की, तो ज़्यादा लेंथ नहीं है, बस समझो कि 2 उंगली आपका जितना होता है, 1-2 उंगली के बराबर इसके लेंथ हो जाता है। और ये टाइप सी नहीं है, ये USB 2.0 है। और इसके साथ मिल जाता है आपको 1, 2, 3 टोटल 3-4 एक नीचे गिर गया था, 4 टोटल 4 मिल जाता है आपको ये बैकअप के लिए, अगर कहीं पे खो जाता है तो उस टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ देखो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये है इम्पोर्टेंट M10 वर्ड। और इसके जो किट है, किट थोड़े से बड़े हैं और मुझे लगता है कि थोड़े से छोटे और होने चाहिए। क्या है कि इसमें आपको साथ में मिल जाता है पावर बैंक का बैकअप, मतलब कि 3000 से 3200 mAh का आपको इसके साथ बैकअप भी मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और कहीं अगर मैं इसके लुक की बात करूँ ना, लुक परफेक्ट है, देख सकते हो परफेक्ट लुक है, लुक में कोई भी वो नहीं है। उसके बाद देखो ये जो आप देख रहे हो, ये ओपन करने का है, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से ओपन करने का है। और इसे आप ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आपको पोर्ट देखने को मिलते, 2 पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हो इससे, तो आप इससे चार्ज भी कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही सही लगा, क्योंकि हमेशा पावर बैंक कौन ही साथ में लेके घूमता है। और देख लो, मतलब ये है, इसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पावर बैंक तो क्या है कि ज़्यादा एमएस का होता है तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज़ करके आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस मतलब है कि थोड़ी बहुत आपको अलग से पावर मिल जाएगी, क्योंकि 3000 mAh बैटरी उतने भी ज़्यादा नहीं होता, अब देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको USB 2.0 का यहाँ पर पोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप इसमें लगा के सिंपल सा ये जो किट है, इस किट को आप चार्ज कर सकते हो। और कुछ इस तरह से लुक एंड फील है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे साथ में आपको मिल जाता है गैस, ये जो इंडिकेटर देख रहे हो, ये इंडिकेट करता है एक्चुअली बाहर से ही आपको देखने को मिलता है कितना चार्ज है। मतलब अगर आपने डेस्क पर ऐसे कुछ रख दिया है तो आपको शो करके आपको पता चलेगा कि ये इतना चार्ज है, देख रहे हो। और तो सिंपल सा इसे भी मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है। इसे भी मैं एक्चुअली ओपन कर ही देता हूँ, ये जो कवर जो दिख रही है प्लास्टिक वाली, इसे भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो डेफिनेटली तो गैस कुछ इस तरह से लुक है, वाकई में कमाल का लुक है, देख सकते हो आप। मतलब एक डिजाइन देखने को मिलता है, प्रीमियम टाइप का प्रोडक्ट देखने से ही पता चलता है कि ये हाँ ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसके अंदर मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। देखो कुछ इस तरह से है, देख सकते हो आप। और देखो क्या है, देख रहे हो, मतलब ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से लाइट जलती है, ये लाइट है आप जो दिख रहे होंगे, ये जो लाइट देख रहे हो मतलब RGB कलर की है, रेड ग्रीन ब्लू, देख रहे हो मतलब। और इसके साउंड क्वालिटी की अगर बात करूँ गाइस, तो साउंड क्वालिटी बहुत ही मेरे को उतना भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ साउंड क्वालिटी परफेक्ट है, आप इसे नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लंबे टाइम के लिए यूज़ करोगे तो फिर डेफिनेटली आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब कानों में दर्द होने वाला है, क्योंकि ये है कि पूरे कान में फिट हो जाता है, पूरी तरह से पूरे कान के अंदर चले आता है, मतलब कि थोड़ी सी भी पूरी तरह से नॉइज़ कैंसिलेशन आपको देखने को मिल जाता है इसके साथ। तो ये होता है, ये नॉइज़ कैंसिलेशन प्रोडक्ट है, मतलब बाहर की कोई भी चीज़ आपको सुनाई नहीं देगी अगर आप इसे यूज़ करोगे, अगर आप इसे अपने कानों में लगा लोगे तो। उसके बाद देख लो गाइस कुछ इस तरह से है। और इसके टच सेंसिटिविटी जो मुझे बहुत सही लगा, देखो ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से है, टच सेंसिटिविटी भी सही है। एक बार अगर आप क्लिक करते हो तो कोई भी म्यूज़िक जो है प्ले एंड पॉज हो जाता है, और अगर आप डबल क्लिक करते हो तो फिर इसके अलग फंक्शन है, ट्रिपल क्लिक करते हो तो भी उसके अलग फंक्शन है। तो डेफिनेटली आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। और देख सकते हो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। देखो मैन है ना, ये आप देख, तो गाइस ये देख लो मैन, ये है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन ये देखने को मिलता है स्क्रीन, और यहाँ पे इसका देखो किट परफेक्ट है, किट एक देखने से लगता है प्रीमियम क्वालिटी का किट है, देख सकते हो। ये देखो मतलब लगता है कि हाँ किट तो है, परफेक्ट किट आप जो आप सोचते हो वो किट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं टेबल पर रख दूँ तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसे ऐसे रख दो तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐसे रख दो इस तरह से कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर देख लो गाइस बहुत ही परफेक्ट है। और इसके देख लो यहाँ पे लेफ्ट में इधर रखना है, राइट में इधर रखना है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है लेफ्ट और राइट का यहाँ पे लोगो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट में रखना है और ये राइट में रखना है। आप जैसे इसे रखते हो कुछ इस तरह से, दो यहाँ पे चार्जिंग ये शो करेगा कि एक्चुअली कितना चार्ज है। और देखो ये चार्ज भी होना स्टार्ट हो चुका है, देखो ये जो आपको दिख रहे होंगे इस तरह से आइकन्स, इसके इसका मतलब ये है कि चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इससे भी रख देता हूँ कुछ इस तरह से, हाँ इसे भी मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ, देखो देखो ये भी चार्ज होने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि सबका अलग अलग इंडिविजुअल ये बताता है कि ये इतना चार्ज है नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो 49%, ये एक्चुअली ये बता रहा है कि ये पूरी जो किट है ये किट कितनी चार्ज है ये बता रहा है, ठीक है। और ये जो है ये बताता है कि एक्चुअली ये जो आपके ये ईयरबड है ये इतने चार्ज है, और उसके ये ईयरबड जो है ये इतने चार्ज है। ये ईयरबड देखो अभी दो पॉइंट चार्ज है, और इसके ईयरबड देखो इसके ईयरबड अभी बहुत कम ही चार्ज है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जानने का, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे बाय करो। और इसे अगर देखो यहाँ पे अगर फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज करना चाहते हो तो यहाँ से डेफिनेटली चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरह से लगा के, और जो भी है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होंगी तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी करना। तो फिर गाइज अगर मैं कुछ इस तरह से दोनों को एक ही साथ लगा देता हूँ तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता, देख रहा हूँ। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मेरे माइंड में चल रहा था कि दोनों को एक ही साथ लगा देता हूँ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, तो आप ऐसा मत करना, ठीक है।
तो ये कुछ प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बताया। और ये जो कुछ मतलब आपको भी अगर आपको लगता है कि ये बाय करना चाहिए और आपको भी अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अभी। तो मिलता हूँ फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर ही दो यार, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और ये रिक्वेस्ट मतलब है ना, आप थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो, मतलब थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।